तो मैंने एक बार पृथ्वी पर सोचा कि देखूं तो सही यहाँ मृत्यु लोक के प्राणी कैसे रह रहे हैं, देखूं तो सही यहाँ के लोग किस प्रकार रह रहे हैं। नारद जी बोले, महाराज मैं सभी जगह गया, हर वर्ण में गया, हर आश्रम में गया। मैं सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में गया, ब्रह्मचारियों के पास। ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचारी नहीं कर रहे। गृहस्थियों के पास गया तो गृहस्थी भी फेल, वो भी पूर्ण रूपेण गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और वानप्रस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, और तो और सन्यासियों ने भी अपना धर्म छोड़ दिया है। कलयुग इतना बढ़ गया है। आश्रम हमारे ही हिंदू लोग, हमारे ही सनातन धर्मी लोग, हम हिंदुओं को, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू कहते हैं जो वर्ण और आश्रम को माने। वर्ण कहते हैं जाति, अपनी अपनी जाति। संसार का एक हिंदू ही एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जाति पाति मानी जाती है। सबकी अलग अलग, सभी अलग अलग फूल खिल रहे हैं। कहीं गुलाब खिल रहा है, कहीं गेंदा खिल रहा है, कहीं कमल खिल रहा है। कोई एक जाति ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक कुशवाहा है, एक सबकी अलग अलग जाति है, कोई वैश्य है। मगर हम लोग ही हिंदू लोग अपनी जाति को खत्म करने में लगे हुए हैं। किसी को भी अपनी जाति, कोई को किसी, मतलब जो जाति पर गर्व होना चाहिए, अरे हम जाटव हैं तो क्या हुआ, अरे हम धोबी हैं तो क्या हुआ, हम भगवान ने हमें मनुष्य की जाति दी है, हम मनुष्य में जन्म लिया है। अपनी अपनी जाति पर अभिमान होना चाहिए। हम भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, मगर हम लोग आजकल राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़कर अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जातियों से हम लोग च्युत होते जाते हैं। मैं मान क्या कहते हैं, मानव मानव भाई भाई, जीव हमारी जाति है। ये सबसे बड़े घातक, कोई ने कोई बर्बाद नहीं कर रहा हमारे धर्म को, हम खुद हिंदू ही धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। वर्ण और आश्रम को जो नहीं मानता, न वो हिंदू है न मुसलमान है। हिंदुओं का ही एक ऐसा धर्म है जो कि जाति को मानते हैं हम लोग। हम लोग पूजा करते हैं तो बिना गोत्र के, बिना जाति के हमारी पूजा लगती नहीं है। बिना गोत्र के क्या गोत्र है? पूजा में बैठेंगे तो पहले गोत्र बताइए, जाति बताइए, नाम बताइए। अमुक शर्मा हम, अमुक क्षत्रियो हम, अमुक वर्मा हम, अमुक गुप्तो हम, दासो हम। बिना जाति के पूजा नहीं लगती। हम लोग जाति से बचना चाह रहे हैं और फिर बनते हैं हिंदू, वो हिंदू नहीं हो सकते। और वर्ण और आश्रम को मानने वाला ही सच्चा हिंदू है। नारद जी कहते हैं कि मैंने आश्रमों में गया, सभी जगह अधर्म का प्रवेश हो गया है। मैंने सोचा महाराज कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली,